टाउन की दुनिया में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में जानने के लिए फैंस हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। टीवी टाउन की दुनिया में ऐसी कई पॉपुलर सीरियल्स हैं जिन्हें फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इन्हीं सीरियल्स में से एक है स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल अनुपमा। जी हाँ, घर घर में अपनी खास पहचान बना चुकी हैं टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली। इस सीरियल में रूपाली गांगुली अनुपमा का किरदार निभा रही हैं और अनुपमा के किरदार में रूपाली को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे अनुपमा के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। घर घर में सीरियल अनुपमा के जरिए अनुपमा के नाम से मशहूर हो चुकी हैं रूपाली गांगुली और रूपाली गांगुली से जुड़े ऐसे कई किस्से भी सामने आ रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे अनुपमा की असल जिंदगी के बारे में, उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कि किस तरह की जिंदगी जीती हैं अनुपमा अपने पति और अपने बेटे के साथ। साथ ही साथ आपको बताएंगे अनुपमा की लव स्टोरी के बारे में, जब अपने इंटरव्यू में अनुपमा ने कई बड़े खुलासे किए अपनी शादी को लेकर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टार प्लस की पॉपुलर सीरियल अनुपमा के जरिए घर घर में अपनी खास पहचान बना ली है एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने। रूपाली गांगुली फैंस के दिलों पर जमकर राज कर रही हैं। रूपाली के किरदार अनुपमा को फैंस काफ़ी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले रूपाली गांगुली कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। रूपाली गांगुली ने सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मोनिशा का किरदार निभाया था और मोनिशा के किरदार में भी रूपाली को काफ़ी पसंद किया गया था। इस बीच अगर बात की जाए रूपाली की पर्सनल लाइफ के बारे में तो बताएंगे हम आपको उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूपाली गांगुली ने साल 2013 में 6 फरवरी के दिन शादी की थी। रूपाली गांगुली ने शादी की थी अपने बेहद पुराने दोस्त के साथ। दोनों की दोस्ती करीबन 12 साल पुरानी थी और अपने बेहद करीबी दोस्त अश्विन के वर्मा के साथ रूपाली ने शादी की है। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूपाली ने अपने इंटरव्यू में अपने पति के साथ रिश्ते को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए। रूपाली ने बताया अपने एक इंटरव्यू में कि किस तरह से दोनों की शादी हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूपाली और अश्विन ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। दोनों ने ही कोर्ट मैरिज की थी और आखिर क्यों दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। रूपाली ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे और अश्विन को बहुत ही बड़ी शादी पसंद नहीं, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज की। इतना ही नहीं, रूपाली ने यह भी बताया था कि किस तरह से उनके पति अश्विन की बहन और जीजा ने उनकी शादी की तैयारियां और मेहमानों को बुलाने में उनकी काफ़ी हेल्प की थी। रूपाली ने खुलासा किया कि वह बड़ी शादी नहीं चाहती थी और फिर भी इस शादी में काफ़ी ड्रामा हुआ था। रूपाली ने बताया कि मुझे ये अपनाने में समय लगा कि मेरी शादी हो रही है। मेरा भाई मुझे हर 5 मिनट में कहता तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ। मैं अपने बहुत से दोस्तों को बुलाना ही भूल गई थी। जब मैंने अपनी डिजाइनर फ्रेंड को साड़ी पिक करने के लिए कॉल किया था तो वह सुनकर शॉक्ड हो गई थी और मैं 3 दिन में ही शादी कर रही हूँ। मेरे ब्लाउज सिलवाने का कोई भी समय नहीं था और उस दौरान मैंने पुराने ब्लाउज को ही साड़ी से मैच करके पहना था और वो बहुत ही फनी था। वहीं रूपाली गांगुली ने अश्विन को लेकर बताया कि अश्विन शादी के लिए देर से आए थे। उनके लेट होने पर मैंने उन्हें कॉल करके ये भी पूछा था कि क्या वह कहीं भाग तो नहीं गए, वह एक वन में घुसकर खो गए थे। रूपाली गांगुली और पंडित परेशान होने लगे क्योंकि उन्हें दूसरी शादी में जाना था, लेकिन आखिरकार अश्विन शादी के वेन्यू तक पहुंच गए। एक साधारण सी पैंट और शर्ट पहने हुए थे अश्विन और उस दौरान मैंने फेरों के लिए लाल साड़ी पहनी हुई थी। मैं शादी के मंत्रों के बीच हंस रही थी। वहीं रूपाली गांगुली ने अपने पति अश्विन
के साथ रिश्ते को लेकर खुलासा किया। रूपाली के पति अश्विन अपनी पत्नी रूपाली के साथ रहने के लिए अमेरिका से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने मेरे साथ रहने के लिए ये तमाम चीज़ें की और इस रिश्ते के लिए सबसे बड़ी कमिटमेंट यही है। एक एड फिल्म मेकर और यूएस की इंश्योरेंस कंपनी के वीपी थे और वह अब मुंबई में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह मुंबई के अलावा कहीं नहीं रह सकती क्योंकि माता पिता उनकी यहीं रहते हैं। इस बीच देखा जाए तो अश्विन का मुंबई आना रूपाली के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। रूपाली काफ़ी खुश थी अश्विन के इस डिसीजन से और अश्विन की ये बात रूपाली को काफ़ी पसंद आई कि वह उनके दोस्त हैं और दिल खोलकर उनसे बात कर सकती हैं। अश्विन रूपाली का रिश्ता बहुत ही खास है। रूपाली कहती हैं कि हमने एक दूसरे को प्यार का इजहार नहीं किया था और ना ही किसी ने किसी को प्रपोज किया था। पता नहीं कैसे हमारी दोस्ती हुई थी और हमारे फैमिली मेंबर्स को पता था कि हम एक दिन एक दूसरे से ही शादी कर लेंगे। ये सिर्फ समय की बात थी। ऐसा कब होता है? वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूपाली और अश्विन का एक बेटा है जिसका नाम है रुद्राक्ष और रूपाली अपने पति अश्विन के साथ बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं। सोशल मीडिया पर रूपाली की कई ऐसी ग्लैमरस तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में रूपाली वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस भी हैरान रह जाते हैं रूपाली गांगुली के हॉट अवतार को देखने के बाद। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से अनुपमा सीरियल की पॉपुलर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं अपने परिवार के साथ। सोशल मीडिया पर अनुपमा की तमाम तस्वीरें हैं जो चर्चा का विषय बनी रहती हैं। वेल, आप यहां पर क्या कहते हैं रूपाली गांगुली के बारे में जानने के बाद, या बता सकते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।